दोस्तों इस वीडियो में कवर करेंगे जीडीएल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक को। जैसा कि दोस्तों आप देखोगे अभी के टाइम बहुत तगड़ी गिरावट आ रही है। बैक टू बैक यहाँ पे हमें लोअर सर्किट देखने को मिल रहे हैं। पिछले अगर 2-3 दिन से देखोगे तो भाई स्टॉक में लोअर सर्किट यहाँ पे लगना स्टार्ट हो चुके हैं एंड यहाँ पे इन्होंने दोस्तों लोगों को बेचने का मौका ही नहीं दिया। देखो भाई अभी आपको मेरी पुरानी बात याद आ रही होगी जब मैंने कहा था कि प्रॉफिट बुकिंग का टाइम है, पैसा के बिना वजह एमओ के अंदर बाइंग ऑर्डर मत लगाना। जिन लोगों ने लगाया अभी के टाइम भाई वो कर चुके हैं लॉस। जैसा कि 5% का तो यहाँ पे हुआ, फिर 5% का यहाँ पे हो चुका, तो करंट टाइम पर कम से कम 10-15% का लॉस हो चुका है। अब यहाँ पे जितना रिटर्न बना था क्या उतना ही रिटर्न वापस से लेगा? क्योंकि जब ऐसे पेनी स्टॉक के अंदर लोअर सर्किट लगते हैं तो दोस्तों बहुत तगड़े लोअर सर्किट लगते हैं। जब अपर सर्किट लगते हैं तो बहुत तगड़े अपर सर्किट लगते हैं। तो अपर सर्किट तो आपने देख लिया, पिछले अगर 1 मंथ में देखोगे ना पैसा डबल हुआ है। करंट टाइम पे रिटर्न 10% का कम होकर 98% का रिटर्न अभी भी पॉजिटिव है। अब आगे क्या डिसीजन लेना है, किस लेवल तक गिरावट जा सकती है? क्योंकि सभी लोगों के क्वेश्चन मेरे पास एक ही थे कि भाई जीटीएल इंफ्रा के अंदर बच चुके हैं, एमओ में बाइंग ऑर्डर लगाया एंड क्या तो प्रॉफिट बुक नहीं कर पाए या लालच ज्यादा कर लिया। लालच ये था कि भाई अगर 2 रुपए का स्टॉक 4 रुपए आ चुका है तो 4 का 8 रुपए जाएगा। जब आपको पता है मार्केट में ऐसे स्टॉक जब भागते हैं तो आपके ब्रोकरेज तो चलो कुछ नहीं करते, बट मार्केट जो एनालिटिक्स वाले हैं यहाँ पे अदर जो एनालिस्ट वाले वो बोलते हैं कि भाई 8 रुपए चला जाएगा, 10 रुपए चला जाएगा। तो टोटली हमें देखना है कि हमारा अगर पैसा डबल हो चुका है भाई पिछले 1 महीने में तो कितना लालच चाहिए भाई यहाँ पे? 1 महीने में पैसा 10 गुना करोगे, 50 गुना करोगे, वो नहीं होगा। तो लालच हमेशा फंसाता है, लालच एंड डर। अब डर देखो, डर इसे कैसे फंसा यहाँ पे? डर इस बात का था कि यहाँ पे ज्यादा ऊपर ना, अगर हम इस लेवल पे बेच दे रहे हैं यहाँ पे तो मान के चलो डर लोगों को ये है कि अभी के टाइम ज्यादा ना गिर जाए, ठीक है। अब मान के चलो अच्छा फंडामेंटल स्टॉक होता तो कब का रिवर्सल कर लेता और हम 2-3 लोअर सर्किट लगा के हमें फिर से कंसोलिडेट देखने को मिलता। बट अभी के टाइम पैनिक सेलिंग आ रही है। एक बार लोअर सर्किट लगा तो लोगों को लगता है कि भाई बेच के निकलना चाहिए, कितना ही प्रॉफिट हो रहा है। अभी तो ऐसी सिचुएशन आ चुकी है कि मान के चलो वो लोग भी बेच रहे हैं जिन्होंने यहाँ पे खरीदा था, वो भी लोअर सर्किट में अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। तो ये चीज हो चुकी है। अब आगे क्या डिसीजन रहेगा, क्या अपना रहना चाहिए? मार्केट कैपिटलाइजेशन देख सकते हो 4,708 अराउंड 4,078 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। एंड जो आपके टावर वाले शेयर थे, जैसा कि बता दूं मैं आपके यहाँ पे जो टेलीकॉम वाले शेयर उनमें भी आज प्रेशर था। इंडस टावर यहाँ पे गिरावट में देखने को मिला है। वही आपका अगर हम देखें यहाँ पे वोडाफोन आइडिया, इसमें पॉजिटिविटी नजर आई है। एंड टावर वाले शेयर जैसा कि आपका जीटीएल इंफ्रा एंड आई जो आपका इंडस टावर है, दोनों एक ही सेगमेंट के शेयर है। एंड अदर शेयरों की बात करूँ तो मैं कुछ हद तक पॉजिटिव भी देखने को मिले हैं। तो अब आगे करना क्या है, शेयर होल्डर जितना टाइट लगा हुआ ये चीज समझते हैं कि देखो अगर देखो मान के चलना मार्केट में जब भी जो लोअर सर्किट लगे उस बीच आप नोटिस करना कि स्टॉक में जो सेल बाय के आंकड़े दिखते हैं हमें वो बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। अगर वो बढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली अपर सर्किट आपका नहीं खुलेगा, टाइट अपर सर्किट है। अगर वो धीरे धीरे अगर खुल रहे हैं नीचे आ रहा है तो आपका लोअर सर्किट का सॉरी जो सेल ऑर्डर यहाँ पे तो फिर लग रहा है कि थोड़ा खुल सकता है। बट अभी के टाइम अगर स्टॉक का एमओ चेक करोगे ना तो करोड़ों क्वांटिटी आपको सेलिंग में देखने को मिलेगी जो कि पहले से ही सेल ऑर्डर पैदा कर, जैसा कि जब ये भाग रहा था तो सेम यही क्वांटिटी हमें बाइंग ऑर्डर में नजर आ रही थी। तो स्टॉक बैक टू बैक अपर सर्किट क्रिएट कर रहा था। अब सिचुएशन भाई पलट चुकी है, वही पासा है, वही गेम है, सारी चीजें वही है, बट जो आपका पासा है वो पलट चुका है, उल्टा भाग हो चुका है पासा। अब यहाँ पे लोग फंस चुके हैं, लोग को डर लग रहा है कि भाई अब पता नहीं क्या हो जाए, स्टॉक वापस से 2 रुपए 2.5 रुपए के लेवल पे ना आ जाए तो कितनी गिरावट होगी, समझते हैं डाटा के अकॉर्डिंग यहाँ पे। देखिए दोस्तों अगर आप देखेंगे तो अभी के टाइम में इस समय स्टेज फोर में करंट टाइम पे अगर देखें तो आज 3 करोड़ अराउंड 4 करोड़ के आसपास की टोटल वॉल्यूम रही है जो कि लगभग यहाँ पे रिटेलर ने पिक किया हुआ लालच करके यहाँ पे। इतनी बड़ी यहाँ पे इतने फेनी स्टॉक के अंदर इतनी सी क्वांटिटी मतलब कोई बड़ी बात नहीं है। मेन पॉइंट यहाँ पे 99% लोअर सर्किट नहीं खुला तो हमें क्या देखेगी, डिलीवरी दिखेगी। और वो देखा जाए कि 2.5 करोड़ शेयर है जो हमें एमओ के अंदर सेल ऑर्डर में देखने को मिल रहे हैं। अब देखो अभी के टाइम तो ये ओनली 4.5 करोड़ है ना, बट जैसे ही मार्केट खुलेगा तो ये क्वांटिटी आपको बढ़ती भी नजर आएगी, लोग धड़ाधड़ यहाँ पे सेलिंग करने पे उतारू हो जाएंगे। तो ये चीज अभी के टाइम नजर आ रही है। स्टॉक में मैंने आपको कहीं भी बाइंग ऑर्डर के लिए नहीं बोला है एंड अभी भी मैं आपको इस स्टॉक के बारे में सेल बाय के लिए कुछ नहीं बोलूंगा। मेरा सेशन स्टॉक को लेकर यही है कि अगर पैसा डबल हो चुका था तो आप डेफिनेटली यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर लेते, बट अभी के टाइम आप फंस चुके हो। मेन पॉइंट की Q4 की जो क्यों फर्स्ट की जो रिजल्ट है उसको लेकर क्या अपडेट है, रिजल्ट कब आएंगे? तो पिछली बार के जो रिजल्ट थे हमें क्वार्टर वन के वो दोस्तों देखने को मिले थे 9 अगस्त के आसपास, तो डेफिनेटली नेक्स्ट मंथ के अंदर अन्य जो क्वार्टर वन के रिजल्ट है वो देखने को मिलेंगे। रिजल्ट को लेकर कोई बड़ी उम्मीदें हम नहीं कर सकते कि फंडामेंटल के अंदर कोई भी बड़ा चेंजेस नहीं आया यहाँ पे। एंड चार्ट में आपको देखेंगे कि भाई बैक टू बैक लोअर सर्किट लग रहे हैं। अब देखते हैं RSI के अकॉर्डिंग टोटल शॉर्ट टर्म मिसेस का संकेत क्या है, लोअर सर्किट कहाँ खुल सकता है, एक बार वो चेक कर लेते हैं।
लेकिन के टाइम अगर देखा जाए दोस्तों जीटी लिंफा का डाटा, तो भाई ये लोगों को जैसा कि पहले मालामाल किया तो अभी कंगाल कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे पहले मालामाल करने पे उतार होता, अभी भाई कंगाल करने पे उतारा। पैसा किसने कमाया? पैसा कमाया ऑपरेटर ने, फंसा कौन? रिटेल। तो इस प्रकार हमेशा रिटेल ही फंसता है, बलि का जो बकरा है वो रिटेल है मार्केट में। क्योंकि रिटेल की भाई बुद्धि ना पता नहीं कहाँ रहती है, रिटेल पता नहीं करता क्या, रिटेल के लालच होता है, रिटेल डरता है, इसलिए रिटेल मार्केट में फंसता है। अब देखो मान के चलो ये जो ऊपर वगैरह होते हैं ये भगवान होते हैं, इनको सब कुछ पता होता है पहले, ये इनकी उंगलियों में नचाते हैं शेर, ये चीज आप ध्यान रख लेना। एंड इसलिए देखो रिटेल को भारी फंसा है, जब स्टॉक में बड़ी बड़ी वॉल्यूम आ रही, जब ऊपर भाग रहा था, समझ जाना चाहिए कि ओपनर बाहर निकल रहा है, ओपनर सेल करके जा रहा है। अब जैसे ही सेल किया ओपनर पूरा माल, तो अब देख लो यहाँ पे क्या क्या दशा हो चुकी है। तो ये चीजें भाई समझो, अब यहाँ पे देखो एक बड़ी क्वांटिटी सेल हुई थी एंड इसके बाद देखो वॉल्यूम कितनी कम हो चुकी है। तो यहाँ पे समझ आ रहा है कि ओपनर ने हमें बना दिया है, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान दो भाई, फंसोगे ऐसे ही फंसोगे। अगर मार्केट में लालच करोगे, पागलों की तरह स्टॉक का प्राइस को लेकर जज करोगे कि एक का शेयर है 1 लाख, एक का शेयर है 100 पे चला गया तो मैं तो करोड़पति बन जाऊंगा, अगर ऐसे करोगे तो भाई फंसोगे, ठीक है। 74 का आरएसआई आ चुका है यहाँ पे, कम से कम अभी और एक दो लोअर स्तर लग सकते हैं आरएसआई के अकॉर्डिंग, पर देखते हैं कहाँ लेके जाता है। अगर जब तक तो कोई बड़ा बायर नहीं मिलता 7-8 करोड़, जब भी यहाँ पे लोअर सर्किट में से रोड लगता है तब तक लोअर सर्किट नहीं खुलेगा, ठीक है। तो मेरा कोई भी भाई सेल बाय का रिकमेंडेशन नहीं है एंड कोई स्टॉक का कोई भी टाइम कंटिन्यू सपोर्ट लेवल नहीं है। आरएसआई के अकॉर्डिंग बताऊं कि अगर भाई सपोर्ट लेवल यहाँ पे 2-3 का लोअर सर्किट और लगता है तो स्टॉक इजीली हमें 3.5 रुपए का लेवल भी दिखा सकता है, ठीक है। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लो, बेल आइकन भी करो ताकि कंटिन्यू